शिवकाल जयपुर में घटना घटित हुई, आपराधी तत्व लोग गृह मायने प्रवेश कर हर दिन दहाड़े खुलेआम जो सामाजिक संगठन और एक राष्ट्रहित की बात करने वाला व्यक्ति विशेष जी हिसाब हत्या करी, तो आप सब लोग और पूरा राजस्थान रह मायने छत्तीसी कौम सरकार माते की दबाव बनाने वास्ते एकत्रित किया और सब जगह बंद करवाया कि एड़ी घटना पुनरावृत्ति न हो। इर मायने जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अंतिम जिको अपराधी है, जिको ए दिकनाला तो है, जिको सिर्फ इस्तेमाल करना किराया जिको है गुंडा है, वास्तविक अपराधी कौन है वे पकड़िए जावे और भविष्य में एड़ी घटना पुनरावृत्ति नहीं है और किसी साथ कति एड़ी घटना नहीं है, कोई हत्या नहीं हुए, इर वास्ते दबाव बनायो। आप सब लोग पधारिया गाँव रहा इर बात आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में अगर मान लो गारी आपने आवश्यकता है तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। सुखदेव सिंह जी ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, वैन चरणा में सत सत नमन। बात है कि अपराधी अपराधी कोई जाति नहीं वे, वो अपराध अपराध गलत है, अगर अपराध वो एडो अपराध करियो आप वीडियो देख नहीं सका, इन तरीकों धोखो घर में घुस और वैन साथ धोखो कर एक बेना प्रशंसक बनन प्रशंसक बनपरान आवेन के मापर प्रशंसक आशा स्वागत करने चाहवा, एडो आप करन बहुत खतरनाक वो काम करियो और युवा आदमी और सब समाज रहा आगे लीडर रहने वास्ते तैयार रहता, कोई भी दुख हरेक दुख दर्द में साथ रहने वाला आदमी हाँ, तो आप लोग वेने जो श्रद्धांजलि रूप में आठ उपस्थित हुए और कोरोना में एक शांतिपूर्ण बंद करवायो, आप सब लोग रो धन्यवाद और एडी टाइम रमीन हमेशा हर कौम ने साथ रहे अपराध रो अपा सामना कर ला तो ही जाना अपराधी माता अंकुश लगेला साथे मैं क्यों गाँव रे महीने भी कटे भी कोई साथे जाती हुए तो हमेशा आप युवा वर्ग हाथ रहे बोला तो मैं जाती बंद हो सके, बाकी आप लोग अलग अलग देखा ला भी ना थी मार का ही लड़ देना इन है कि मार का ही लड़ देना, तो हमेशा अपराध और हौसला बुलंद हो जाला और एड़ा अपराध आज तो जयपुर भी है अपन गाँव में रहता कोई टाइम नहीं लगे ला, आप सब निवेदन है सब एकजुट हो और जिको है अपराध करे अपराधी और हमेशा विरोध कराला तो आप हमेशा अपराध ने रोकना हम सफल है वाला, आप सब पधारिया धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप सभी यहाँ सभा भवन में पधारे और हमारा आक्रोश राजू समाज का आक्रोश सर्व समाज का आक्रोश रोपरी, ताकि हमारी यही मांग है सरकार से कि तुरंत न्याय दिलाए और कठोर से कठोर अपराधियों को सजा मिले और सब समाज या पधारे हैं राजू समाज आपका ऋणी है, आपने हमें सबल प्रदान किया इसके लिए हम आपका आभार। दुकान मार्केट बंद रही है सब धन्यवाद है और जिकी हत्या रीवी आज एने अत्यारे समान फांसी मिली चाहिए और कड़ी कड़ी एने सजा मिले और जल्द जल्द समान पकड़े और सब धन्यवाद है आप पधारिया एक साथ चालिया और एक जाति नहीं है और छत्तीस कोमरो काम है और पूरा गांव सपोर्ट करियो और दुकान भी बंद करिए अपन कहो तो सब धन्यवाद है पार्टी के। सुखदेव सिंह जी को कमेटी को सत सत नमन और उनके साथ ये हादसा हुआ है बहुत निंदनीय है, आज पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में भी इस घटना की निंदा की जा रही है, तो हम समस्त ग्रामवासियों ने आज एकत्रित हुए हैं और संगठन दिखाया है कि प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी दिलाने की जो हमने मांग की है और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सब एकत्रित होकर इस मतलब दोषी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब समर्थक बने और कमेटी को विनम्र श्रद्धांजलि।